की सबसे बड़ी खबर यही है कि चार स्टॉक्स जो कि 1 अप्रैल से निफ्टी का हिस्सा होंगे और 3 स्टॉक्स जो कि बाहर जा रहे हैं। आइए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं अविनाश को रक्षा कर हमारे साथ हैं। अविनाश, 3 स्टॉक्स जो कि इंडेक्स को अलविदा कह देंगे, उसमें PNB आई थिंक महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ। बैंकिंग से लार्ज कैप बैंकिंग में PSU स्पेस का एक बड़ा बैंक अब निफ्टी से रुखसत हो जाएगा, लेकिन अब बात करते हैं वो 4 स्टॉक्स की जो कि इसका हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि इनको एडवांटेज मिलेगा, इनमें बाइंग एफर्ट्स काफ़ी अच्छे खासे आएंगे स्पेशली इंडेक्स फंड की तरफ से। एक हो गया अरविंदो फार्मा, आइशर मोटर्स, साथ ही साथ आई थिंक भारती इनफटेल और एक स्टॉक टाटा मोटर्स डी, हाँ जी मैं भूल गया था। इन चारों में से सबसे ज्यादा कैपिटलाइज अगर करना है, खरीदारी करनी है, तो आपका कॉन्फिडेंस अविनाश इन चारों में से किस स्टॉक पे होगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि वीरेंद्र, टाटा मोटर्स का जो DVR है, मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक पे मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट और मेरी नज़र इसके ऊपर रहेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये एक्सपेक्टेड था कि टाटा मोटर्स का DVR निफ्टी में इंक्लूड होगा, और अभी April 1st से जब ये होगा तभी मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का डिस्काउंट नॉर्मली फ्रंटलाइन टाटा मोटर्स के शेयर पे टाटा मोटर्स DVR ट्रेड करता था, उस डिस्काउंट में शायद आपको थोड़ा सा डिस्काउंट नैरो होने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इसमें डेफिनेटली स्पेकुलेटिव वॉल्यूम बढ़ेंगे और क्लियरली ये एक प्रोमिनेंट स्टॉक फिगर होगा। तो मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स DVR, उसके बाद आइशर मोटर जो क्लियरली एक अच्छा आउट परफॉर्मर स्टॉक है, इसमें डेफिनेटली और ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों ही ऑटो शेयर्स पे नजर रखनी चाहिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इंटरेस्ट और एक्शन ट्रेडर्स का आना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन टाटा मोटर्स DVR के इंक्लूजन के बाद जो बाकी DVR स्टॉक्स हैं उन पर भी आप नजर रख सकते हैं, हो सकता है कि एक्शन वहां भी तेज रहे, जिनमें फ्यूचर रिटेल DVR है, जन इरिगेशन DVR है। लेकिन सुब्रा, जो स्टॉक्स बाहर हो रहे हैं उन पर आपका व्यू क्या होगा? केन इंडिया, वेदांता या फिर PNB, अगर सॉफ्ट होते हैं आज के सेशन में तो किसी पर क्या बेट करना चाहिए शॉर्ट साइड पर? दीपल, आई थिंक केन का एक्चुअली मैं नाम ले सकता था क्योंकि क्रूड पे अच्छी खासी बढ़त आई है, लेकिन और ONGC के साथ, लेकिन आज की जो न्यूज़ है निफ्टी से एक्सक्लूशन, इसके चलते थोड़ी बहुत दबाव, लेकिन मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा दबाव यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखें तो ऑलरेडी काफ़ी शॉर्ट्स ओवरऑल क्रिएट हुए, भले लास्ट 1 महीने में हमने थोड़ी बहुत यहाँ पर रिकवरी, तो मेरा मानना है कि शायद बहुत ज़्यादा डाउनसाइड यहाँ पर शायद ज़्यादातर यहाँ पर क्रूड से लिंक किया जाएगा, और अगर बहुत कोई ऐसा डाउनसाइड आए तो शायद वहाँ पर एक खरीदारी का एक मौका है, तो आई थिंक मुश्किल से 4-5% या वहाँ तक एक गिरावट आ सकती है, तो आई थिंक ओवरऑल मेरा मानना है कि शायद जी जी जी। आइए कुछ और सिर्फ स्टॉक्स को देखते हैं जिनमें कल काफ़ी अच्छी खासी तेजी थी। देखिए कल फर्टिलाइजर स्टॉक्स काफ़ी अच्छी थीम थी बाजार के, स्पेशली क्योंकि मिड कैप में इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है। आप देखिए जरा प्लीज फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे आइए, देखिए राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स माफ कीजिएगा, इसने पूरे गेंस की, इस पूरे सेक्टर की अगर आप देखें लीडरशिप अपने कल हाथ पर रख के दी। अविनाश, ये कल फर्टिलाइजर स्टॉक्स की तेजी और बजट पूर्व इन स्टॉक्स में आना, ये मूव आपको थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा था आपकी तरफ, और आप क्या मानते हैं इसमें अभी थोड़ा सा एक्सपोजर लेना चाहिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स में, और अगर हाँ तो किस स्टॉक पर आप दाव लगाएंगे? आई थिंक वीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि इस बजट में एग्रीकल्चर का जो फोकस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस कारण मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रीएम्प्टिव बाइंग हमने फर्टिलाइजर शेयर्स में देखी है। इसमें अगर हम शेयर्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि RCF और कोरोमंडल, ये दो ऐसे काउंटर्स है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी भी शायद शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए जो रिस्क रिवॉर्ड है वो शायद अच्छा आ सकता है, अगर गवर्नमेंट ने प्राइसिंग के ऊपर थोड़ी बहुत रियायत इन कंपनीज को दी। फीड स्टॉक के ऊपर भी अगर कोई अच्छी अनाउंसमेंट आती है तो डेफिनेटली RCF में पोजीशन ले जा सकती है। अराउंड 43 का जो करंट रेट है, मुझे लग रहा है कि 50-52 का डेफिनेटली स्तर आराम से इन द नियर टर्म पॉसिबल लग रहा है। कोरोमंडल की अगर हम बात करें तो कोरोमंडल दोनों ही सेगमेंट्स में है, यूरिया एज वेल एज DAP में, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली अगर थोड़ा सा लंबा निवेश करने की अगर सूची है तो डेफिनेटली इसमें भी निवेश किया जा सकता है। अविनाश, NTPC को OFS खुल रहा है आज, 122 का फ्लोर प्राइस तय किया गया है, क्या सलाह देंगे रिटेल इन्वेस्टर्स को?
नहीं, मुझे लग रहा है कि जिनको लंबी अवधि के लिए शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे लग रहा है कि एनटीपीसी का जिस प्रकार का पावर जनरेशन का प्रोडक्ट बास्केट है, आगे के एक्सपेंशन प्लान्स है, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली पावर सेक्टर में आने वाले बजट में और आने वाले सालों में क्लियरली जो फोकस गवर्नमेंट का है वो जारी रहेगा और क्लियरली यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी बढ़िया है। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्गर टर्म के लिए जिनको पैसा लगाना है कम से कम 1.5-2 साल के लिए, वहीं पर ये OFS में अप्लाई करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, लेकिन लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अट्रैक्टिव है। लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स एनटीपीसी में इसको काफी अच्छे लग रहे हैं, तो लंबी अवधि के लिए आप फोकस कर सकते हैं इस प्राइस पे। अभी कुछ देर पहले मैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात कर रहा था, अविनाश का आपने आउटलुक भी सुना। एक और स्पेस जो कि बजट से पहले कल काफी हरकत में दिखाई दिया वो था, याद रखिए, एजुकेशन स्टॉक्स। सारे के सारे एजुकेशन स्टॉक्स कल चल रहे थे, अच्छे मूव में थे। आपकी देखिए आपके स्क्रीन पे एवरॉन एजुकेशन, करियर पॉइंट काफी अच्छा खासा हुआ। आई थिंक करियर पॉइंट कल हमने किसी सेगमेंट में भी जिक्र किया था दीपाली, बिल्कुल बजट बोनांजा शेयर सुमित ने जिक्र किया था और अच्छे गेन्स के साथ 8% का देखिए ऑलमोस्ट रहा। अविनाश, एजुकेशन स्टॉक्स पे से कोई एक्टिवेट करना चाहेंगे आप, एंड स्पेशली NIT लिमिटेड, एपटेक, जो ये कंप्यूटर IT एजुकेशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, इन पर आपका आउटलुक जानना चाहूंगा मैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि वीरेंद्र, एजुकेशन भी एक ऐसा सेक्टर है जो कंटिन्यूसली मुझे लग रहा है कि इस बजट में फोकस में आएगा और काफ़ी आउटले इस बजट में भी इंक्रीज करके हम देखेंगे। यहाँ पे अगर जो इंटरेस्टिंग स्टॉक है मुझे लग रहा है NIT है, क्योंकि हाल ही में NIT के जो थर्ड क्वार्टर के नतीजे आ गए, काफ़ी बड़ा टर्न अराउंड हमने उनके बिजनेसेस में देखा है, मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी काफ़ी बढ़िया थी। मुझे लग रहा है कि सारे एजुकेशन स्टॉक्स में अगर हम चुने तो NIT में जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया लग रहा है, तो NIT में डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इवन एट द करंट लेवल इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगी और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। कुछ और शेयर्स जहां पर खबर है उनमें एक ब्लू स्टार है, और ब्लू स्टार पर आज खबर है कि जम्मू प्लांट से जो प्रोडक्शन है वह 18 तक शुरू करने की योजना है, और जम्मू के साथ साथ आंध्र प्रदेश प्लांट पर कंपनी करीब 215 करोड़ का निवेश करेगी। लेकिन कल के सेशन में ब्लू स्टार भले ही सॉफ्ट हुआ हो, लेकिन फेडर्स, लॉयड, क्रॉम्पटन ग्रीव जैसे स्टॉक्स में हमने अच्छा मोमेंटम देखा था, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने वाली कंपनियों में। और इनफैक्ट कल एक एक्सक्लूसिव खबर भी दी थी जी बिजनेस ने अविनाश की, ITA के तहत जो इम्पोर्ट, जो भी प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट किए जाते हैं उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम करके 6% की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली फायदा पहुंचेगा इन सभी कंपनियों को, और आमतौर पे बजट के आसपास इन सभी शेयरों में काफी एक्शन देखा भी जाता है, और वो रिफ्लेक्शन कल हमने फेडर्स, लॉयड, क्रॉम्पटन ग्रुप जैसे स्टॉक्स में देखा भी। तो इस पॉकेट से कोई चॉइसेस हैं आपके भी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यू नो, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम होती है तो इन कंपनीज़ को ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इनके जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स है थोड़े से यहाँ पे इनको रियायत और कंसेशन मिलेगी। मुझे लग रहा है कि क्लियरली मे बी यू नो, अगर हम बड़े कंपनीज़ की बात करें तो वोल्टास, फेडरल, लॉयड या टिपिकली यू नो ब्लू स्टार, मुझे लग रहा है कि ये सब सारी कंपनीज़ में एक्शन देखने को मिलेगा। जी।